प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर। ग्रामीणों की शिकायत पर कवरेज करने गए पत्रकार रौब दिखाती धमकी देती नजर आई स्कूल की मैडम साहिबा। जी हाँ, बाराबंकी जिले के प्राथमिक विद्यालय मोहडवा विकासखंड सूरतगंज तहसील रामनगर बाराबंकी में पत्रकार को मिली धमकी। मैडम साहिबा ने कहा कि इसके पहले एक पत्रकार का मोबाइल छीन कर तोड़ दिया था, तुम्हारा भी मोबाइल फोन तोड़ दूंगी। इतना ही नहीं, कहते कहते मैडम साहिबा पत्रकार के मोबाइल कैमरे की तरफ बढ़कर मोबाइल छीनने का प्रयास करने लगी। मैडम जी ने कहा, बिना अनुमति के विद्यालय परिसर में पत्रकार प्रवेश नहीं कर सकते और ना ही फोटो खींच सकते हैं। जहां पत्रकार को चौथा स्तंभ माना गया, वहीं आवाज उठाने का बीड़ा सौंपा गया, उसके बाद भी उसी के साथ की जा रही है अभद्रता। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार पत्रकारों को स्वतंत्र निस्वार्थ होकर निष्पक्ष कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वहीं शिक्षा व्यवस्था की बदहाली देखकर जब एक पत्रकार कवरेज करने जाता है, सच्चाई को सामने लाने का प्रयास करता है, तो पत्रकार के साथ अभद्रता करने में नहीं चूकी मैडम साहिबा। जी हाँ, मैडम जी को डर था कहीं विद्यालय की सच्चाई सामने ना आ जाए। पूरा मामला रामनगर तहसील के विकास खंड सूरतगंज के प्राथमिक विद्यालय मोहडवा का बताया जा रहा है, जहां विद्यालय की प्रधान अध्यापिका दिव्या जी कवरेज करने गए निजी समाचार पत्र के पत्रकार को रौब दिखाती साफ नजर आ रही हैं। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि खबर चलने के बाद इस विषय पर कितना संज्ञान लिया जाता है और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली और एक पत्रकार के साथ अभद्रता पर क्या कार्यवाही होती है। देखिए ये रिपोर्ट। आप आते ही मैडम जी झगड़ गयी, आप शिक्षक हैं, आप शिक्षक हैं, ये आपका नैतिक दायित्व नहीं है। मेरा दायित्व क्या है ये मुझे मत समझाइए सर। अब आप कह रहे हैं आप विद्यालय में प्रवेश मत करिए, आप आइए मत, खड़े मत होइए। आईडी दिखाइए। आईडी हमारे पास है, आईडी हम सक्षम अधिकारियों को दिखा देंगे जो हमसे देखेगा। क्यों आप मुझे आईडी क्यों नहीं दिखाएंगे? पता लगाइए कि पत्रकार हैं। हम किससे पता लगाएं? आप जनसूचना विभाग जिला जनसूचना अधिकारी साहब पूछ लीजिए। आप वीडियो नहीं बनाएंगे? आप जिला जनसूचना अधिकारी पूछ लीजिए। तो आपको परेशानी क्या है हम लोगों? हमें परेशानी, आप आईडी दिखाइए, आप खुद को वीडियो बनाए, हम अपने बच्चों से आपकी सारी बात कराते हैं। नहीं, आईडी दिखाइए, क्या हम आईडी आपको दे देंगे क्या? हमें दिखा तो दीजिए कि आप वास्तव में पत्रकार हैं, क्या पता आप कहीं पड़ोस के गांव के आए हो। ठीक है, हम पड़ोस के गांव के आए हैं। आप मैडम इसको वायरल करके कल को मारा अपहरण कर ले हमारे माँ बाप। अच्छा मैडम जी, आपका शुभ नाम क्या? मैडम जी आपका हमें बिल्कुल, मैडम जी आपका शुभ नाम क्या? हम नाम नहीं बताएंगे अपना। हमारा पूछ लिया आपने, आप नहीं बताएंगे? आप शिक्षक होकर के दबंगई कर रही हैं। और कौन कर रहा? हम आए, हमने आपसे पहले नमस्ते किया, आप कह रही हैं कैसे आए, क्यों आए, यहाँ आने का अधिकार नहीं है। हमको पत्रकारों का हम परेशान कर रहे हैं, सिर्फ हमें परेशान करने आए। कभी परेशान करते हुए आपने जब हम आप पूरे खंड शिक्षा क्षेत्र में पूरे तहसील के पता लगा लीजिए। हम यहाँ के लोकल नहीं ना, लोकल नहीं, आप कहीं से आती हो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। रामनगर से भी नहीं पहचान रहे हैं? नहीं पहचान रहे हैं तो हम क्या करें? हम भी उनको नहीं पहचान रहे हैं तो हम क्या करें? क्या हमको सबसे पहचान करनी है? क्या हम कोई मतलब जो है बख्शीश ले जाते हैं किसी से? क्या आप आए? नहीं, हम क्यों परेशान करेंगे भाई? आप हमें परेशान कर रहे हैं। अब हम परेशान नहीं करेंगे, अब हम सरकारी व्यवस्था का अवलोकन जरूर करेंगे, ये हमारा नैतिक अधिकार है। नैतिक कर्तव्य हमारा भी है, ये हमारा नैतिक अधिकार है।